दोस्तों अगर आप सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब कप्तान रोहित के सामने आई हार्दिक की पलटन तब भारतीय शेयरों में हुआ है घमासान। दहल उठा वेस्ट इंडीज के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत का दिल। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्या, ऐसा क्या किया इस खिलाड़ी ने जिसे क्रिकेट इतिहास कभी भी नहीं भुला पाएगा? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चली इस जबरदस्त जंग में? किसने की सबसे अद्भुत बल्लेबाजी? रोमांच से भरपूर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक कौल और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक छक्के लगाने वाला? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कड़वी यादों को भुलाते हुए टीम इंडिया कैरिबियाई धरती पर कदम रख चुकी है, जहां उनका परम लक्ष्य वनडे के साथ साथ टेस्ट मैचों और T20 में भी मेजबान वेस्ट इंडीज का सफाया करना है। इसके लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बेहद ही मजबूत दल वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें इस धमाकेदार सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होने जा रही है, जिसमें जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया ने कमर कस ली है और वेस्ट इंडीज को धूल चटाने के लिए उन्होंने पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज पहुंचते ही भारतीय टीम में दरार आ गई है और खेमा दो हिस्सों में बट गया। जहां एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई तो वहां दूसरे की जिम्मेदारी थी। हार्दिक पांड्या के कंधों पर सभी खिलाड़ी अपनी अपनी निश्चित की हुई टीम में चले गए और एक जबरदस्त इंट्रा स्क्वाड मुकाबले के लिए मैदान सज गया। जब सिक्का उछला तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा आंख मूंद कर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। हार्दिक की टीम के लिए सबसे पहले बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी थी। देखते देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवर में ही 55 रन जड़ दिए थे। रोहित की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन दोस्तों रोहित भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया, फिर शुभमन गिल को 29 रनों के स्कोर पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अचानक से उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन रोहित के खेमे में अभी भी डर था क्योंकि मैदान में उतर चुके थे विराट कोहली, उनके साथ कप्तान हार्दिक की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें 16 ओवरों में हार्दिक पांड्या और कोहली ने अपनी टीम को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां हार्दिक 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो विराट का बल्ला भी गरज रहा था, वहीं 49 रनों तक पहुंच चुके थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले कोहली चलते बने मोहम्मद शमी ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन हार्दिक ने अंत तक हार नहीं मानी और शिवम दुबे के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 195 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक ने कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 83 रन बनाए थे, तो वहीं दुबे ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब रोहित की पलटन को जीत के लिए 196 रन बनाने थे। उनके लिए एक बार फिर कप्तान रोहित के साथ पॉकेट डायनमो ईशान किशन की खौफनाक जोड़ी तबाही मचाने के इरादे से उतरी। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मियां भाई का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले ओवर में ही उन्होंने ईशान किशन को चलता कर रोहित की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट और हार्दिक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी टीम के नैया पार लगाने के लिए अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद कप्तान रोहित ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला सूर्य कुमार यादव का। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत बढ़ाने की तरफ बढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। कप्तान रोहित ने भी मिडॉन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में पूरा कर हार्दिक की हालत खराब कर दी थी। दोस्तों उनकी टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी, ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाई युजवेंद्र चहल ने। उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया जिसके जाल में फंसे कप्तान रोहित शर्मा वो 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से अब मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। रोहित की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 79 रन चाहिए थे। हार्दिक की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। सूर्य का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे अक्षर पटेल। जहां दोस्तों सूर्य को रोक पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। चहल के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर दिया था। अब बारी थी टीम को मैच जिताने की। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो हार्दिक पांड्या से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव। एक बार फिर इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन जब वो बैटिंग पर आते होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाज और सामने
वाली टीम पर होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर लेकर आए अर्शदीप की पहली दो गेंदों पर उन्होंने दो चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने दो रन लेकर रोहित की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जब दो गेंदों पर पांच रन चाहिए थे, ऐसे में ओवर की पांचवी गेंद पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। हार्दिक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया। तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया सूर्या की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत का T20 कप्तान किसे होना चाहिए, हार्दिक या फिर सूर्या? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।